नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज मिलवाएंगे कैसे डीएम से जो गरीबों की भूख से मजाक करने वालों के साथ ऐसा सलूक करते हैं कि आप देखते रह जाएंगे, या यूं कहा जाए कि मुर्गा बना देते हैं। बात ज्यादा नहीं करते, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। दरअसल मामला है राजस्थान के धौलपुर का, जहां लॉकडाउन के दौरान कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल ने राशन सामग्री को लेकर जिले के आला अधिकारियों की बैठक ली। शिकायतों के बाद जिला कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल का पारा उस समय हाई हो गया जब अधिकारी लिस्ट नहीं दिखा पाए। देखे किस तरीके से अधिकारी कह रहे हैं, सर मेरे पास लिखित में है, लेकिन यहीं पर डीएम साहब को गुस्सा आ जाता है। बस फिर क्या था, पहले तो वो लताड़ लगाते हैं, उसके बाद क्या क्या कहते हैं खुद देखिए। आज मैं पूरे दो तीन चार घंटे लगातार बैठा सर, कम 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 इधर इधर, इनका कोई आदमी नहीं लग रहा है सर, रेशन बनवाने का। कौन बना रहा है फिर तुम्हें? मैं प्रभारी राशन लीडर, मैंने बुलाया तीनों चारों से, जब रेशन बनवा रहा हूँ। ये खुद ही मतलब थोड़ा सा केवल मेरी बात सुन लीजिए, मुझे बताओ चार घंटे में रहा नगर पालिक में, अब नहीं लगे कमरे से बाहर आपके जीवन का मुझे बारे में सोचा कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो क्या करे सीधा, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं बैठा चार घंटे आपके पिछले। अरे भाई एक बार तो पहले ये था, जो पूछ रहे हैं में कलेक्टर साहब को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो यही नहीं रुकते। इसके बाद क्या होता है, जरा उस तस्वीर पर भी नजर डालिए। जो अधिकारी हैं, ये हैं अधीक्षाक्षी अधिकारी। कलेक्टर साहब ने इन्हें साफ कहा कि दो दिनों में अगर सर्वे लिस्ट पूरी नहीं बनी तो वे उन्हें मुर्गा बना देंगे। वही काम कर रहे हैं ये होगा साहब, मतलब नहीं है। अरे चार दिन से पांच दिन से सर्वे देरी चल रहा है, एजेंडा सुबह सुबह शाम बुलाइए इसको, और कल सुबह फिर कल शाम को फिर बुलाइए पांच दिन। सरमान किए सरकार देखिए, तीन बार कमरे में गया मैं इनकी उसके लिए रिपोर्ट के लिए, चार बार इतना दबाव है मुझे, पांच रूपये चार सेकंड सीएम ऑफिस फोन आ गया। पहला पॉइंट जरूरतमंदों का सर्वे में क्या लिखे बच्चू साहब, तुमको ऐसा सीम सीम अरे कल शाम को नहीं पूरा उस सर्वे मुर्गा बना दूंगा तुम्हारे को, कल शाम को नहीं पूरा उस सर्वे मुर्गा बना दूंगा तुम्हारे को। राजस्थान म्यूनिसिपल सर्विस के अफसर है आप, बैठक में जिला कलेक्टर राजेश कुमार जायसवाल ने सभी आला अधिकारियों को कहा कि जिले में लॉकडाउन के चलते रोजाना काम करने वाले मजदूर, गरीबों और असहाय को दो वक्त के खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए जिला प्रशासन पूरा जोर लगाए हुए है, कोई भी भूखा ना सोए। ऐसे में कहा जा सकता है अगर हर राज्य में इस तरह के कलेक्टर हो जाएं तो शायद ही कोई भूखा सो पाएगा, लेकिन अधिकतर जगह पर भी ऐसा भी देखा गया है कि सरकारें चुप हैं, कलेक्टर साहब अपना काम करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो गरीब है वो भूखा ही सोने को मोहताज है। राशन डीलर से राशन नहीं मिलता, सरकार मदद नहीं करती, और आखिर में बचा बस एक रास्ता, भूखे सो जाओ। ऐसे में उम्मीद है कि देश भर के सभी कलेक्टर इसी तरीके से काम करेंगे और भूखों को कम से कम रोटी मिल पाएगी। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए और हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुद्दों की बात करते रहेंगे। नमस्कार।